है, थोड़ी एनर्जी आ गई मेरे अंदर। फाइनली बहुत सारे घंटे वेट करने के बाद हमारी चार्टेड बस तो इट्स वर्कआउट टाइम और मुझे ज्वाइन किया है अदिति ने, शी इज़ माई नेबर। से हाय अदिति। हम रोज़ वर्कआउट साथ में करते हैं, यूजली हम इवनिंग में करते हैं, बट आज जैसे मुझे ट्रैवल करना है तो मैंने इसको मॉर्निंग में ही बोला कि मॉर्निंग में करते हैं, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं वर्कआउट और लाइट भी चली गई। स्ट्रेचिंग करेंगे, स्किपिंग करेंगे, वर्कआउट करेंगे। सबसे बुरा इसको बाइक करने का होता है। ओह मेरा बेटा, हाँ हाँ हाँ, वालेकुम। अच्छा ये लो, ओके ओके ओके। प्यारा बच्चा, प्यारा बच्चा, दोनों मेरा बच्चा। बाय आले, बाय आले। मेरा बेटा, हम गाड़ी में बैठ गए हैं और मेरे साथ है अदिति एज यूजुअल, ये मुझे छोड़ने जा रही है। तो हम पहले अभी जाएंगे चार्टेड के जहाँ पे जो स्टॉपेज बना हुआ है वहाँ पे जाएंगे। और आज मैं भोपाल जा रही हूँ चार्टेड से, तभी बहुत गर्मी लग रही है, पूरी सेट हो जाती है फिर आप। तो फाइनली हम आ गए हैं चार्टेड के बस स्टॉप पे। ये बस स्टॉप है, अभी इनका नया काउंटर है, बेस्ट प्राइस के जस्ट पीछे वाला एरिया है ये। और हम लोग पहले वहाँ चले गए थे स्टार स्क्वायर पे, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद चार्टेड से ट्रैवल कर रही हूँ। जब मैं भोपाल में रहती थी तब मैं इंदौर भोपाल, इंदौर भोपाल चार्टेड से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी। तो बस अभी बस आएगी और फिर हम चार्टेड का ऑफिस, एंड ये है सारी चार्टेड की डिटेल। तो हमारी बस कुछ ही पलों में आने वाली है। दो बसों को, हर बस को देख के लगता है कि हमारी बस आ रही है, हर बस को देख के लगता है हमारी बस आ रही है, बट अभी आने को है। मैंने इसके साथ ट्विनिंग कर ली चश्मा पहन कर, थोड़ा आगे भी बच जाएगी ना धूप वगैरह से। तो बस क्या प्रिंटेड वाला ले लेते हैं, सनग्लासेस का काम भी हो जाता है ये इसी में। तो फिर वो रात में अलग अलग बहुत सारे घंटे वेट करने के बाद हमारी चार्टेड बस आ गई है। और ये रही हमारी वॉल्वो, सी एंड सो मेनी भीड़। अब बहुत सारा क्राउड भी इकट्ठा हो गया है और पहले इनको जाने देते हैं फिर मैं घुसती हूँ अंदर। और कल मॉर्निंग में वर्कआउट। और अभी ओके, सो हियर माय सीट। ओके तो फाइनली मैं सेट हो गई हूँ बस के अंदर और मुझे मिली है विंडो सीट एज यूजुअल। मुझे विंडो सीट ही चाहिए थी। सो बस अभी ट्रैवल करेंगे और ये 3-3.5 घंटे में आई थी हमें पहुँचा देगी। तो बस चलते हैं, एसी चालू हो जाए। और देखो स्क्रीन भी है, दिख रही है क्या स्क्रीन है? थोड़ी देर से दिखा दूंगी, लोग अभी बैठ रहे हैं। अभी एक स्टॉप आया है, ये रही हमारी बस। ये स्टॉप आया है, यहाँ पे आप अपना चाय नाश्ता पानी कर सकते हो, तो वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। ढोडी हाईवे है, सो हम जा रहे हैं पहले वॉशरूम। और ये है ढोडी, तो
तो आप अगर भोपाल से इंदौर जा रहे हो या इंदौर से भोपाल आ रहे हो तो आपको ये बीच में मिलेगा, नाश्ता पॉइंट है। चलते हैं अंदर पहले, काफ़ी सुंदर है ये जगह और अंदर भी कुछ है। अंदर क्या है? अरे फोटो वोटो के लिए बड़ा अच्छा है। अरे वॉशरूम, और वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, नीट एंड क्लीन। ओहो हो हो, काफ़ी बड़ा है ये तो, यहाँ तो मैं नहा सकती हूँ। सी काफ़ी बड़ा है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं अभी डाइट पे हूँ तो मैं कुछ खा तो नहीं सकती, बट मैं पी सकती हूँ। तो आई ऑर्डर श्री जी की लस्सी, दे दो भैया एक लस्सी। और यहाँ पे आपको सब कुछ खाने को मिल जाएगा, गोलगप्पे से लेके पॉपकॉर्न स्वीट कॉर्न एवरीथिंग। तो अभी हम पियेंगे लस्सी। लस्सी लस्सी ये मीठी है भैया? आई नो इट्स बहुत मीठी है। बहुत मीठी है पर ठीक है, थोड़ी एनर्जी आ गई मेरे अंदर। तो चीयर्स फॉर लस्सी। गर्मी में लस्सी ना पिया तो क्या मजा आया फिर। इतना बैठने की आदत नहीं रही ना एक सिटिंग में, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले। चल भाई चल ले, सुल्तान मूवी लगा रखी। नहीं मैं एस बी टी से जाऊंगी ना। कहाँ है भैया गाड़ी वो? अच्छा ओके, नहीं नहीं चल बाय, फिर मिलते हैं ना। बाय, ध्यान रखना, बाय। ओके तो अभी हम पहुंच गए हैं और ये हमारी बस हमें लाल घाटी पे ड्रॉप कर दिया है। नाउ ये कोई एक और छोटी गाड़ी है, ऐसी कोई आपको ड्रॉपर रहेगी, पिकअप पॉइंट है, तो ISBT तक ही आपको ड्रॉप कर देगा। तो मेरा पॉइंट ISBT है। तो हम बैठ गए हैं, अभी एक और सफ़र बाकी हो। मेरा मास्क लगा लूँ क्या? लगा लेते हैं। फोटो में पैसे लेकर नहीं कर रही हूँ, सुनो इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ। व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? एक बच्चा मुझे मिला था यहाँ पे पहुँचते से ही, तो वो अपनी फीस के लिए मुझसे पैसे मांग रहा था, बट जैसे ही मैंने उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, ना उस बच्चे के पास स्कूल आईडी थी ना कुछ था, उस वो मुझसे पैसे मांग रहा था बुक्स के लिए। बट जैसे ही मैंने अपना कैमरा ऑन किया, मैं उसको पैसे देने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी, जैसे ही मैंने अपना कैमरा ऑन किया वो फट से भाग गया। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई बच्चा आता है ना, आप पहले उससे अपनी उसकी स्कूल आईडी पूछो, उसके बाद ही आप उसके आगे हेल्प करो, क्योंकि क्या पता इनको कौन कहाँ से भेजता है नशे करने के लिए, वॉट एवर इट इज़। मेरा बिल्कुल भोपाल पहुँचते से ना एकदम मूड अपसेट सा हो गया, बट मैं आपको दिखाती हूँ ISBT ने मतलब वो चार्टर्ड की बस से मुझे कहाँ ड्रॉप किया है। कितना सुंदर है ये, और हम आगे जा रहे हैं। तो ये है राजा भोज, यहाँ के राजा भोपाल के। अभी दीदी आने वाली है मुझे लेने के लिए, पिक करने के लिए, तो वो पहुंच जाएंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मेरी ना एकदम एनर्जी से डाउन हो गई वो बच्चे को देखकर, सैड। ओके तो मैं आ गई हूँ घर में, दिख रही हूँ क्या लाइट है ना? हाँ तो आ गई हूँ मैं दी के घर। दी आ गई थी, रास्ते में हमारी इतनी सारी बातें हो रही थी तो मैं दीदी को हाय कहलाना भूल गई थी। तो मैंने सोचा अभी दी मेरे लिए बहुत अच्छी लेमन ग्रास की टी बना रही है, तो दी से हाय। तो ये मेरी बड़ी जिजी हैं, तो मैं इनके घर आई हूँ और हमारी बन रही है अभी लेमन टी। तो अभी हम चाय को इंजॉय करेंगे,
और दीदी पुदीना डालेंगे, पुदीना है, लेमन ग्रास है, बहुत सारी हर्बल वो सब डले हुए हैं इसमें। हाँ, और हमारी ये गुड़ की चाय है। यस, जैसे इम्पोर्टेंट इसकी गुड़ की चाय है। हाँ, तो हमारी चाय में गुड़ डल रहा है और हम चाय पियेंगे बेहतरीन वाली और दोनों बहनें बैठ के गपशप करेंगे। पूरी रात बातें होंगी आज। हाँ, आज रात पूरी बातें ही बातें होने वाली है। तो पहले मैं चाय वाय पीती हूँ, बताती हूँ। लेमन ग्रास वाली चाय में पहली बार पी रही, फर्स्ट टाइम पी रही हूँ। और दीदी ने, मतलब दीदी आपने घर में लगा रखी ना लेमन ग्रास? घर की ना, और लेमन ग्रास, टमाटर, ये चेरी टमाटो घर का ही है। और रे वाह, दीदी की मैं ना पूरे किचन गार्डन भी दिखाऊंगी मैं आपको, मॉर्निंग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो इस कैमरे में अच्छे से दिखेगा नहीं। मॉर्निंग में मैं दिखा दी, बहुत सुंदर गार्डन है, वो दिखाऊंगी मैं आपको। और अभी हम चाय पीते हैं।